हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव साई इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये मिक्सर ग्राइंडर है। तो देखिए, इसके जार में हम कुछ भी मसाला, प्याज, टमाटर वगैरह या कुछ भी चीज़ इसके जार में हम डालते हैं तो वो पिसता नहीं है। तो आज हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जार हमने ग्राइंडर पर लगा लिया है और ये हमारे पास एक बोर्ड है, ये प्लग लगा लेते हैं और ऑन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने ऑन किया है और ये बिल्कुल भी स्पीड बिल्कुल नहीं है इसके अंदर में, और जबकि नीचे मोटर हमारी फुल स्पीड में चल रही है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक से। तो देखिए, ये जार हमने बिठा लिया है मोटर पर और ये हम ऑन करते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी ये लोड नहीं उठा रहा है और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो मोटर की कपलिंग और जार की जो कपलिंग है ये वाली, तो ये आपस में अटैच नहीं हो पाती। इस कारण से ये स्पीड नहीं चल पाता। जब जब हम जार लगाते हैं मोटर के ऊपर और तब हम मोटर ऑन करते हैं तो नीचे मोटर तो अपनी स्पीड पर पूरी घूमती रहती है और ये कपलिंग अटैच ना होने के कारण स्लिप मारती रहती है। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, हमने ये ब्लेड खोल लिया है और अब हम इसकी शाफ्ट को थोड़ी बड़ी शाफ्ट लगा कर इसका समाधान करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ब्लेड हमने इसका खोल लिया है और ये नट भी थोड़ा क्रैक है, तो हम इस नट को भी देखिए टूट गया है, तो इसको भी चेंज करेंगे। तो दोस्तों, ये जो शाफ्ट है ये थोड़ी छोटी है, इससे थोड़ी बड़ी शाफ्ट हम इसमें लगाएंगे ताकि वो ग्राइंडर की मोटर के साथ कपलिंग अटैच हो सके। तो ये हमारे पास दूसरी एक शाफ्ट है। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ी सी ही बड़ी है इससे, तो ये हम लगाएंगे इसके अंदर। तो चलिए लगा लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। देखिए सही आ रही है और ये मोटर के साथ बिल्कुल फिट हो जाएगी जब हम इसके कपलिंग वगैरह लगा के तैयार करेंगे। तो उससे पहले हम इसका ये नट बदल लेते हैं। तो ये जो ब्लेड के ऊपर में जो नट लगा होता है, ये छोटी छोटी पत्तियों से दबा होता है, अंदर की तरफ इन पत्तियों को दबा देते हैं तो ये नट अंदर फिट रहता है, बाहर निकलता नहीं है। तो देखिए, हमने ये फिट कर लिया है और ब्लेड हम शाफ्ट के ऊपर टाइट कर लेते हैं। तो इसमें एक वाशर लगा लेते हैं और फिर हम ब्लेड को इसके ऊपर टाइट कर लेंगे, तो ब्लेड बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो ये हमने टाइट कर लिया है। चलिए अब हम जार में लगा लेते हैं। ये ब्लेड को हमने जार में फिट कर लिया है और देखिए, इसमें एक दो वाशर की ज़रूरत है, तो हम इसमें ये वाशर डाल देते हैं शाफ्ट में और थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और हमने ये ब्लेड जार में लगा दिया है। तो दोस्तों, अभी हमारे पास में ये कुछ वाशर हैं और ये हमारे पास वाशर हैं, तो अभी हमें जो जार के बैक साइड में दो चार वाशर हमने डालने पड़ेंगे। तो ये वाशर हमने निकाल लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जगह अभी काफ़ी है, तो ये हमें फिल करनी पड़ेगी वाशर के साथ में, नहीं तो इसमें प्ले होगी और फिर से हमारी कपलिंग घिस जाएगी।
तो उसके चलते हमें ये वाशर लगाने पड़ेंगे। तो ये वाशर हम इसके अंदर में लगा लेते हैं। तो ये अब हमने कपलिंग भी इसके अंदर में टाइट कर ली है दोस्तों, और देखिए बिल्कुल सही फिट हुई है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो जार में हमने इसको लगा लिया है और बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई है दोस्तों। जब लगाते हैं प्लग और चेक करते हैं, तो देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम से हमारा जार एकदम बिल्कुल सही हो गया है और ये अब बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।